दुकान वाला मामा जीरो, उसको मैं कर लेता हूँ ना जुमे मगरब की नमाज के बाद बात कर। लांगो साहब और सना साहब चले गए सीट पे, आप भी जाए अख्तर लांगो साहब। कौन सा नमाज का वक्फा दे रहे जनाब स्पीकर साहब? ऐसे कैसे मैम जी, आप ऐसा करें अपने चेयर पे अपने सीटों पे जाएं, मैं अपना मगरब के मगरब के नमाज के बाद एसीएस से बात कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह कमेटी कैसे बने? नहीं मैं पूछूंगा कि क्यों किस चीज का कमेटी बने? जो असेंबली का काम है असेंबली का काम। आप जीरो आवर शुरू करें तो मैं जाके उसमें, मैंने कहा आपको करें जीरो आवर शुरू करें, मगरब का नमाज होगा, मैं ऐसी से पूछता हूँ। ऐसा करते हैं वो अपना तरीका है हर रोज ये एक मनसूबा बंदी के तहत जब संजावी की बात है भाई, ये तो कोई अंधा कानून तो नहीं है कि आपको पेश की दी जाए। एजेंडा है जनाब स्पीकर, जिस एजेंडा के तहत जब संजावी की बात आती है, जब अमन अमान पे बात होनी है तो ये अपने कार्ड उठा के नाली और दंगे की बात शुरू कर देते हैं। ये कौन सा जनाब सुबह के साथ अमन दोस्ती की बात है, ये कोई तरीका है? स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नेक्स्ट बजाय होंगे जनाब स्पीकर साहब, ये जबरदस्ती से पैसे मांग रहे हैं, एक अजीब सिस्टम है जनाब स्पीकर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कहते हैं कि जहां पे खून बहा गया उस खून पे बात करो जनाब स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि अमित बिजली नाली और दंगे से शुरू कर दो, ये कोई तरीका है? एक एक ट्रांसफार्मर दे दे जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, ट्रांसफार्मर चाहिए, कितने ट्रांसफार्मर दे दे? जीरो आवर मगरिब की नमाज के बाद शुरू करते हैं, एक एक मनसूबा जीरो आवर अभी असेंबली का भाग गया है, वक्फा मत करो, मगरिब आवाज अजान की मत करो, मगरिब के अजान के बाद दोबारा मिलेंगे असेंबली में। पहुंचाओ ना अपोजिशन, हाँ मैं भी इसके नमाज का वक्त अपोजिशन के खिलाफ। भाई आप लोग मनान चौक पे जाओ, मनान चौक पे जाओ, उधर जलसा करो, उधर